जनपद कुशीनगर के विकास खंड विशुनपुरा के ग्राम सभा घुरछपरा के लाला टोले पर स्थित बाउंड्री विहीन प्राइमरी व जूनियर पाठशाला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। गंदगी के अंबारों और बगैर शिक्षक के बीच नौनिहाल पढ़ने को मजबूर है। प्राध्यानाचार्य और सफाई कर्मी के लापरवाहियों के चलते विद्यालय परिसर, रसोई घर और इंडिया मार्ग का हैंडपंप के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विद्यालय का शौचालय भी गंदगी से पटा हुआ है। साफ सफाई तथा उचित देखरेख के अभाव में नौनिहाल नैतिक क्रिया हेतु बाहर जाने को मजबूर है। नामांकित 106 बच्चों वाले विद्यालय में 4 अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र पठन पाठन के लिए नियुक्त किए गए हैं। पर स्थानीय ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने बताया कि प्रतिदिन 1 या 2 ही अध्यापक आकर पढ़ाती है। यहाँ तक कि इन लोगों ने ये भी बताया कि प्राध्यानाचार्य विद्यालय में महीने में कभी कभार ही आते हैं और करीब 1 या 2 घंटे रहने के बाद फिर से चले जाती है। अध्यापकों की लापरवाहियों के चलते विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पठन पाठन बहुत ही कमजोर है। कक्षा 3 में पढ़ने वाले गोविंद, अंकित और साधना को अपना जिला और देश का नाम तक मालूम नहीं है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले सोनू और रीमा हिंदी का किताब तथा कक्षा 8 में पढ़ने वाली नीतू और अंकिता अंग्रेजी का किताब पढ़ तक नहीं पढ़ पाई। अधिकांश बच्चे बगैर यूनिफॉर्म के आए थे। बच्चों के एक समूह ने बताया कि सोमवार को न तो फल बटता और न ही बुधवार को दूध, यहाँ तक कि मीनू के हिसाब से कभी कभार ही खाना बनता है। संवाददाता कुशीनगर रवि प्रकाश भारती। सबसे ज्यादा तौर का खिचड़ी बना के बच्चों को खिला दिया जा रहा है, ठीक है। और शौचालय का तो बहुत ही बदतर हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, एकदम कचरा है जिसमें आप नाक बंद करके ही जा सकते हैं, उसके सिवा जा नहीं सकते हैं। और जो सफाई कर्मी है वो तो आता ही नहीं है, हाजिरी लगा के चला जाता है। आप इसके बारे में क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम वहाँ पर शिक्षा अच्छा मिले और साफ सफाई अच्छा रहे, जो भी हो मतलब नियम कानून से हो और अच्छा ही हो। और यहाँ के जो हेडमास्टर हैं उनका ट्रांसफर हो जाए और उनके जगह पर कोई अच्छा से अध्यापक आए जो यहाँ के बच्चों को अच्छा से शिक्षा दें। अरे वो एप्लीकेशन देकर देखो, महिला सिपाही लेकर जाकर दरवाजा लगा, तब इज्जत से जनाजा निकल गया।